दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी 2022-23 के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं बार बार कि इसके बारे में कुछ नई अपडेट दीजिए, है ना। क्या इसके बारे में कोई अपडेट आई है, क्या इसका कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वही स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वैकेंसी से जुड़ा अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो आप बार बार परेशान होना बंद करें कि कब नोटिस जारी होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा। जब भी नोटिस या नोटिफिकेशन जारी होगा आपको हमारे चैनल के द्वारा वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें, अपनी तैयारी पर फोकस करें। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा आपको बता दिया जाएगा। और ये बात भी सही है कि अभी छत्तीसगढ़ में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है ना। उसका कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि जब तक आरक्षण वाला मुद्दा हल नहीं होता तब तक यह वैकेंसी तो आगे बढ़ेगी नहीं और हम नई वैकेंसी की उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जब मुद्दा हल होगा तभी आपकी नई वैकेंसी आएगी, तभी आपकी ये वैकेंसी आगे बढ़ेगी। आप चाहे किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लें, जिनके एग्जाम हो गए हैं उनके रिजल्ट रोक के रखे गए हैं, जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनका एग्जाम रोक के रखा गया है, जो वैकेंसी आने वाली है उनका नोटिफिकेशन रोक के रखा गया है। तो इसके बारे में ये कह पाना कि कब होगा, कब नोटिस जारी होगा, कब एग्जाम होगा, कब नई वैकेंसी आएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो आप जो है तैयारी पर फोकस करें, अपने जो वीक टॉपिक है चाहे कोई भी वैकेंसी की हो, है ना। मान लीजिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ वन रक्षक की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है, आप दूसरे एग्जाम भी देंगे। तो आप उन अपने टॉपिक को क्लियर करें जो आपके वीक है, जो आपके कमजोर है, उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये नहीं तो कोई और सही, है ना। जो भी वैकेंसी आएगी आप उसकी तैयारी कीजिए, हो सकता है इसमें ना हो दूसरे में हो जाए। तो इस प्रकार आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए ताकि जब भी जो भी वैकेंसी आए आप उसमें से अपने लिए एक सीट ले सकें, ठीक है, आप उसमें से एक नौकरी अपने लिए ले सकें, ठीक है। तो अगर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ बताया जाए, कुछ पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके लिए वीडियो जरूर बनाया जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।